आज हम पढ़ाने वाले हैं बाल विकास पैडागोजी, जो यूपी टेट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बैच प्रारंभ हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है बाल विकास पैडागोजी का, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए। तो जांच परीक्षण के लिए नहीं होता है, क्योंकि जांच परीक्षण है वो किसी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए ये कक्षा में उच्चतम या निम्नतम अंक लाने के लिए ग्रेड का उपयोग करते हैं। पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, तो यहाँ पृथक्करण और श्रेणीकरण यहाँ बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन में पृथक्करण और श्रेणीकरण की, क्योंकि इसका अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक है। तो प्रेरणा के लिए कौन सा? मोटिवेशन आवश्यक होता है, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक गणित के संपत्तियों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो विद्यार्थियों में व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, इससे व्यावहारिक क्षमताओं में विकास नहीं आता है। गणित शिक्षण के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति, तो गणित शिक्षण में उच्चतम और न्यूनतम का कोई उद्देश्य प्राप्त इसमें नहीं होता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, क्रिएट ए सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग्स एंड रीजनिंग, आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, जैसे ये है मुक्त सीखने का उद्देश्य होता है, समस्या आधारित प्रश्न जो छात्रों को उत्तरों की एक श्रृंखला और आगे के प्रश्नों की ओर ले जाते हैं। वे जिन ध्वनियों और उपकरणों की खोज कर रहे हैं उनमें छात्र पसंद करते हैं। ये एक्टर ऑफ एक्सप्लोर लर्निंग, छात्रों को हड़बड़ी किए बिना एक्सप्लोर करने के लिए व्यापक समय दिया जाना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शन जो सामने आने वाली दीवनी के संवेदी गुणों को व्यवस्थित करने के बजाय अन्वेषण पर जोर देता है। एक्सटेंसिव टाइम टू एक्सप्लोर विदाउट रशिंग स्टूडेंट्स। इसके बाद सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण, जहां छात्र अपने संगीत विचारों की खोज करते समय बिना दंड के सफल या असफल हो जाते हैं। टीचर गाइडेंस दैट एम्फेसिज एक्सप्लोरिंग रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग द सेंसरी क्वालिटीज ऑफ साउंड्स इन करंट ट्रेस। जैसे ये है एक्सपीरियंस टेस्टिंग एक्सप्लोरेशन फॉर्मिंग रिफ्लेक्सिंग। इसके बाद ये क्वेश्चन है अगला, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की संकल्पना से तात्पर्य है एक अधिगमकर्ता की विद्यालय उपलब्धि, तो ये नहीं है। एक अधिगमकर्ता की सभी साप्ताहिक एवं मासिक एवं वार्षिक परीक्षणों में उपलब्धि, तो ये भी नहीं है। एक अधिगमकर्ता की विद्यालय एक अधिगमकर्ता की विद्यालय एवं साहित्यिक गतिविधियों में उपलब्धि, ये भी नहीं है। एक अधिगमकर्ता की सभी विद्यालय गतिविधियों में उन्नति एवं उपलब्धि, ये इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका डी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ये लर्नर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के कार्य की गुणवत्ता की बिना समालोचनात्मक जांच के उच्च श्रेणी देने की अध्यापकों की प्रवृत्ति से, यानी विद्यार्थियों के कार्य की गुणवत्ता की बिना समालोचनात्मक जांच के उच्च श्रेणी देने की अध्यापकों की प्रवृत्ति से क्या होता है? उनके मूल्यांकन की वैधता अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन की वैधता अधिक हो या कम हो, इससे नहीं होता है। उनके मूल्यांकन की विश्वसनीयता अधिक होने की ओर अग्रसर होती है, ऐसा भी नहीं अग्रसर नहीं होती है। इसके बाद उनके मूल्यांकन की विश्वसनीयता कम होने की ओर अग्रसर है, कम और ज़्यादा की कोई बात नहीं इसमें। इसका आंसर है बी, उनके मूल्यांकन की वैधता कम होने की ओर अग्रसर हो जाती है, इसमें मूल्यांकन में। तो आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा दूरी है इसमें, जैसे उच्च गुणवत्ता वाला फीडबैक कार्य विषय और स्वनियमन रणनीतियों पर केंद्रित हो सकता है। इसके बाद प्रतिक्रिया जो एक शिक्षार्थी की व्यक्तिगत विशेषताओं पर केंद्रित होती है, या प्रतिक्रिया जो केवल सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणी प्रदान करती है के प्रभाव भी होने की संभावना कम होती है, इसमें इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करते हुए एक शिक्षक के रूप में आपको बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? लगातार सूचना एकत्रित करने एवं उसे रिकॉर्ड करने से, इससे नहीं बचना चाहिए, ये करना भी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने से, ये भी नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना अनिवार्य होता है। विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में सूचना एकत्र करने से, करने के विभिन्न तरीकों के प्रयोग से, ये भी करना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा है बचना चाहिए, तो उनमें तुलना करना ये गलत है। बच्चों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, मेकिंग कंपेरिशंस बिटवीन देम, बच्चों में कभी या शिक्षकों विद्यार्थियों में कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, क्षीणता अपंगता एवं अक्षमता के मध्य अंतर के संदर्भ में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अक्षमता को क्षीणता के सामाजिक परिणाम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, तो ए नहीं हो सकता। अक्षमता से, यानी अक्षमता से तात्पर्य है प्रभावशाली रूप से, जैसे कि सामान्य लोग करते हैं, विभिन्न अंगों को प्रयोग करने की अयोग्यता, तो ये भी नहीं है आंसर। अपंग क्षीणता का कार्यात्मक परिणाम होता है, तो ये भी नहीं है। क्षीणता से तात्पर्य है एक अंग की संरचना अथवा कार्य में अपसामान्यता, ये आंसर इसका ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हम
अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक शरीर की दुर्बलता होनी चाहिए। दैनिक जीवन की गतिविधियों में विकलांगता या गतिविधियों पर प्रतिबंध होना चाहिए। सामाजिक एकीकरण में बाधाएं या भागीदारी की सीमा होनी चाहिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में, तो गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में क्या करना चाहिए। शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों की सूची का मानकीकरण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सत्र प्रारंभ होने से पूर्व गतिविधियां पहले से निर्धारित कर ली जाती हैं, ऐसा कभी नहीं होता, पहले से निर्धारित कभी नहीं होती। शिक्षक की भूमिका न्यूनतम होती है, शिक्षक की भूमिका न्यूनतम नहीं होती है। तो आंसर इसका सी बचता है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है? पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। जिस प्रकार ये बालक हैं, ये गतिविधियां कर रहे हैं, यह इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अध्ययन गतिविधि के किसी विशेष क्षेत्र में एक विद्यार्थी के अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका प्रयोग करना चाहिए। मानक उपलब्धि परीक्षण नहीं करना चाहिए। एक हित सूची का ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पक्षपाती होते हैं। तो अभिरुचि परीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण, इसके ये दोनों भी आंसर हैं, यानी सी एंड डी दोनों इसके आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक पाठ की योजना बनाते हुए एक शिक्षक शिक्षिका को नहीं चाहिए कि क्या नहीं चाहिए। वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले, वह एक संदर्भ पुस्तक से परामर्श ले, ये तो करना चाहिए, तो ये आंसर हो नहीं सकता। उसी अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन स्तर ज्ञात करना चाहिए, तो प्रदर्शन स्तर को भी ज्ञात करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो उसी अधिगमकर्ताओं की गृह पृष्ठभूमि का पता करना, घर उसकी घर की आर्थिक स्थिति, घर के माहौल का, इसका पता नहीं करना चाहिए शिक्षक को। अधिगमकर्ताओं की गृह पृष्ठभूमि का पता, ये भी नहीं हो सकता है। वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों वह अपने शिक्षण के अनुमानित परिणामों के बारे में चिंता करना, आंसर इसका सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आईईपी व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता तैयार करते हुए निम्नलिखित में से किसे आधार नहीं मानना चाहिए। तो आधार किसको नहीं मानना चाहिए? अधिगमकर्ताओं की वर्तमान क्षमता, तो ये तो हो सकता है, अधिगमकर्ताओं की वर्तमान क्षमता को मानना चाहिए, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं मानना चाहिए। निगेटिव के लिए आपको नकारात्मक ही लेना है। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, तो लक्ष्य को भी प्राप्त करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा भी होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं, आंसर इसका बचता है डी। अभिभावकों की सलाह के बिना आईईपी तैयार करना, आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक दृश्य को देखते हुए एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से पूछा, इस चित्र से क्या तात्पर्य है।
यह कार्य ब्लूम वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र की निम्नलिखित किस श्रेणी से संबंध रखता है? ज्ञान से, बौद्ध से, अनुप्रयोग से, विश्लेषण से। तो यह ब्लूम की वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र की निम्नलिखित किस श्रेणी से संबंध रखता है? तो बौद्ध से, अंदर अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन, आकलन के निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है? पोर्टफोलियो, फोकस समूह चर्चा, व्यक्तिगत अध्ययन, सर्वेक्षण। तो आकलन की निम्नलिखित उपकरणों में से कौन मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मात्रात्मक डाटा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों में विभेदीकरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने हेतु परीक्षण मदों का निर्माण किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों में विभेदीकरण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने हेतु परीक्षण मदों का निर्माण किया जाता है? निष्पत्ति संदर्भित नहीं हो सकता है, उद्देश्य संदर्भित ये भी नहीं हो सकता है, निष्कर्ष ये भी नहीं। तो आंसर इसका है मानक संदर्भित होना चाहिए। कैसा? मानक संदर्भित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अनुदेशात्मक योजना हेतु किसकी भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए? तो विद्यार्थी की भूमिका न्यूनतम नहीं, अधिकतम होनी चाहिए। शैक्षिक प्रशासकों एवं योजनाकारों की भूमिका अधिकतम होना चाहिए, न्यूनतम नहीं। इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभिभावकों की होना चाहिए, लेकिन यानी शिक्षकों की भी होना चाहिए, लेकिन अभिभावकों की नहीं होना चाहिए। क्यों? विद्यार्थी शैक्षिक प्रशासक को एवं योजनाकारों की होनी चाहिए, शिक्षकों की होनी चाहिए, लेकिन अभिभावकों की नहीं होनी चाहिए। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, क्षीण मनसिकता एवं मनोभ्रंश में मूल अंतर है। क्षीण मनसिकता तंत्रिका ताप न्यूरोसिस है, जबकि मनोभ्रंश एक मनोवृत्ति साइकोसिस है। तो ये नहीं हो सकता। मनोभ्रंश से तात्पर्य एक हानि से है, जबकि क्षीण मानसिकता से तात्पर्य मानसिक कार्य संबंधी कमी से। ये भी नहीं। मनोभ्रंश साधारण रूप से एक तकनीकी पद है, जबकि क्षीण मानसिकता का प्रयोग उसी परिस्थिति को पहचानने हेतु सामान्य जन करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं। आंसर बचता है ए, मनोभ्रंश में मनोरोग। मनोभ्रंश में मनोरोग अपक्रिया की एक अधिक उच्च अवस्था सम्मिलित होती है। आंसर इसका ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम पर्यायवाची पद हैं, तो ये गलत है।
आपको क्या बताना है सही है। पाठचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठचर्या में वांछनीय एवं योजनाबद्ध अनुभव शामिल होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। पाठचर्या में अतिरिक्त पाठचर्या होती, तो डी भी नहीं हो सकता। आंसर इसका सी। पाठचर्या में अन्य विद्यालय अनुभवों के अतिरिक्त अवांछनीय एवं गैर योजनाबद्ध अनुभव सम्मिलित हैं। आंसर इसका डी करेक्ट, आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, मुकेश का ध्यान सरलता से भंग हो जाता है। मुकेश का ध्यान सरलता से भंग हो जाता है और वह शिक्षण के दौरान मटर गश्ती करता है रहता है। वह धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता और अक्षरों एवं शब्दों को अक्सर उल्टा कर देता है। साथ ही उसे श्यामपट से शब्दों को कॉपी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संभव है कि मुकेश कैसा है? तो एक वर्ष इसमें पढ़ता, यानी पढ़ना, पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है ये बताते। तो भाषा विकार, इसको भाषा अभिव्यक्ति कहते हैं। भाषा भी व्यक्ति कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामना करने में क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई होती है, तो पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन, कक्षाएं मतलब 6 से 8 तक के लिए RTE अधिनियम 2009 द्वारा कितने न्यूनतम कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? कक्षा में 6 से 8 तक के लिए RTE अधिनियम 2009 द्वारा कितने न्यूनतम कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें नियम न्यूनतम कार्य दिवस किए गए हैं 180 नहीं, 200 भी नहीं और 240 भी। आंसर इसका है 220। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संज्ञानवादी विचारक नहीं है? संज्ञानवादी विचारक नहीं है अल्बर बंडूरा, डेविड आशुबेल, जेरोम ब्रूनर। ये तीनों ही कैसे हैं? संज्ञानवादी, लेकिन टॉलमैन संज्ञानवादी नहीं है। इन्होंने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा क्वेश्चन आता है कि टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है? विचारों का लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारीय चिंतन के लिए सत्य नहीं है? विचारों का लचीलापन, विचारों का अनूठापन ये भी नहीं है, विचारों का प्रभाव ये भी नहीं है, विचारों का सुधार ये सबसे इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो आंसर इसका है सी, विचारों का सुधार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपसारी चिंतन के लिए सत्य नहीं है? विचारों का सुधार। विचारों का सुधार। तो अभी तक आप लोगों ने
जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन किए हैं तो आप लोगों को मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर जो टीचिंग एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान, लिंक को शेयर करें जिससे और भी लोगों को टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद हो सके और 2023 में जो यूपी टेट होने वाला है वो आपका बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।